तो हम कक्षा दसवीं का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी के क्षितिज भाग दो का गद्य खंड पाठ 17 संस्कृति का आज हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो शुरुआत में सबसे पहले हम संस्कृति के जो लेखक हैं भदंत आनंद, इनका जीवन परिचय देखेंगे। तो भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में, 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। और इनका बचपन का नाम हरनाम दास था। जो भदंत आनंद कौशल्यायन थे, इनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के छोटा सा गांव सोहाना में हुआ था और आपके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन की बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश में की काफी यात्राएं भी की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे और सन 1988 में इनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका आ ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहां क्या देखा आदि प्रमुख है। आपकी जो रचनाएं हैं इनमें है भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहां क्या देखा, ये रचनाएं आपकी प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल और सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे हैं। अब हम पाठ का सारांश पढ़ेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ का सारांश की लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति ऐसे का परिचय संस्कृति। तो संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है और इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग? वे सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना सभ्यता है और ना ही संस्कृति है। अब हम पाठ का सारांश देखेंगे। लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति तो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है। उपयोग तो होता है परंतु समझ में कम आता है। इनके साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है, कभी अलग। आखिर ये दोनों एक है या अलग,
लेखक समझाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि आग और सुई धागे के आविष्कार उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? आग और सुई धागे का। वह उनके आविष्कारकर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहते हैं, जिसके बल पर आविष्कार किया। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति का उदाहरण देते हैं। लेखक कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागा फिरवाकर दो अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। इन खोजों के आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ है वह सभ्यता कहलाता है, और अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत कहता है, परंतु वह और अनेक बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक शब्द भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। इसी तरह लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते, तथ्य संस्कृत संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं होते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसके उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनुष्यों से मिलता है। मुंह के कौर को दूसरों के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्ण से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में ग्रह त्याग कर कठोर तपस्या करना और काल मार्क्स का मजदूरों के सुखद सब जीवन के सपने को पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बिताना और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का परिणाम सभ्यता के उदाहरण। मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती। मानव हित में निरंतर परिवर्तन शीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तत्व है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी है। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। शब्दार्थ आध्यात्मिक, परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला, साक्षात आंखों के सामने प्रत्यक्ष या सीधे, आविष्कारकर्ता आविष्कार करने वाला, परिष्कृत जिसका परिष्कार किया हो, शुद्ध किया हो और साफ किया हुआ, अनायास बिना प्रयास के आसानी से, कदाचित कभी या शायद, शीतोष्ण ठंडा और गरम, निठल्ला बेकार अकल्प
कर्मण्य बिना काम धंधे का खाली बैठा हुआ। मनीषियों विद्वानों या विचारशीलों वशीभूत वश में होना या उनके अधीन होना। तृष्णा प्यास लोभ लोभ लालसा अवश्य भावी जिसका होना ही निश्चित हो और अविभाज्य जो बांटा ना जा सके। अब शब्दार्थ के बाद हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न पहला है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। इसका उत्तर है कि लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है। इसके साथ अनेक विशेषण लग जाते जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है और इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। फिर प्रश्न दूसरा कि आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। उत्तर है कि आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि और शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत और पेट की ज्वाला रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा था तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चा मांस का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। अब ये प्रश्न कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर कुछ करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि और योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक सुसंस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया वह संस्कृत मान। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। फिर प्रश्न कि न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क हैं। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं जान ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह सुसंस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? न्यूटन ने अपनी बुद्धि और शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की इसलिए उसे सुसंस्कृत कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को बढ़ा रहा है इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य और संस्कृत नहीं है। अब है प्रश्न की किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई और धागे का आविष्कार किया। तो सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने और सर्दियों में ठंड के बचने को उद्देश्य से हुआ होगा क्योंकि कपड़े के दो टुकड़ों को एक कर जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। फिर है प्रश्न की मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। उत्तर है कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई और दूसरा है कि धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की
चेष्टाएं की जाती, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक दो देश के रूप में देख सकते हैं। फिर है प्रश्न कि मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए भी छोड़ दिया था। तो यह उदाहरण मानव संस्कृति के एक होने को दर्शाता है। अब है आशय स्पष्ट कीजिए कि मानव की जो योग्यताएं उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करें, हम उसे अपनी संस्कृति कहें या असंस्कृति। मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा, इसलिए उसने मानव पहले और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तब हम उसे संस्कृति कहते हैं, और जब मानव का आविष्कार करने की योग्यता, भावना, प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है तब वह असंस्कृति बन जाता है। ऐसे भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। फिर प्रश्न कि लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की परिभाषा दी है, आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। जैसा कि लेखक ने कहा कि आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, तो मनुष्य के रहन और सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन है और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता और संस्कृति का अतः सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप भी हम कह सकते हैं।